There's a beautiful saying, when the road gets tough, the tough get going. So very good evening everyone. My name is Shubham Singhania and I'm your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. तो आज हम एक बहुत ही important topic के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके regarding मेरे पास students की बहुत ज्यादा query आ रही थी। वो थोड़ा सा stress में भी हैं, थोड़े से tension में भी हैं कि सर हम UGC NET की तो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, but what is going to be the impact of COVID on the future possibilities of recruitment on the position of assistant professor's job. तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, so let's get started. तो सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर समझ लेते हैं, दैट व्हाट आर द एस्पेक्ट्स जिसके बेसिस पे वैकेंसीज आती हैं। तो फर्स्ट पैरामीटर इज कि अगर नए कॉलेजेस स्टैब्लिश हो रहे हैं, नए इंस्टीट्यूशंस स्टैब्लिश हो रहे हैं, तो वहां पे सीट्स आएंगी, वहां पे वैकेंसीज आएंगी, बिकॉज द इंस्टीट्यूशंस वुड नीड टीचर्स इन ऑर्डर टू टीच दीज स्टूडेंट्स। तो ये तो आपका पहला पैरामीटर हो गया। द सेकेंड पैरामीटर इज कि हर साल एक मेजर चंक ऑफ कॉलेजेस के अंदर प्रोफेसर रिटायर होते हैं। तो अगर प्रोफेसर रिटायर हो रहे हैं तो उनकी जगह नए प्रोफेसर चाहिए होंगे इन ऑर्डर टू टीच दी स्टूडेंट्स। सो इन दोनों पैरामीटर्स के बेसिस पे रिक्रूटमेंट क्रिएट होती है। नाउ कोविड की वजह से जो पहला पैरामीटर है, जो कि नए एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉलेजेस हैं, वो थोड़े से हॉल्ट पे आ गए, वो थोड़े से रुक गए हैं बिकॉज ऑफ कोविड 19। बट जो सेकेंड पैरामीटर है, दैट इज रिटायरमेंट, वो तो अपनी अकॉर्डिंग ही होगा। सो हर कॉलेज के अंदर जब भी टीचर्स अपने एक डेजिग्नेटेड एज पे पहुंच जाएंगे तो उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज तो ध्यान रखने वाली है, दैट टीचिंग इज वन सेगमेंट, वन सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी विच हैज रैपिडली एडजस्टेड टू दिस कोविड पैंडेमिक। तो जिन जिन कॉलेजेस के अंदर ऑफलाइन क्लासेस होती थी, दे ऑल हैव टर्न्ड इनटू ऑनलाइन क्लासेस। चाहे अब वो क्लासेस के बारे में बात कर लें या फिर हम एग्जाम्स के बारे में बात कर लें, जैसे कॉलेजेस ने ओपन बुक एग्जामिनेशन कराना शुरू कर दिया है, या फिर हम रिक्रूटमेंट के बारे में बात कर लें जहां पे ऑनलाइन टेस्ट करा के ऑनलाइन इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि टीचिंग पे ऑन द बेस ऑफ सेकेंड पैरामीटर, दैट इज रिटायरमेंट, उसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया है एंड वैकेंसीज साइमल्टेनियसली क्रिएट होती जा रही है। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि सर हम क्या कर सकते हैं, व्हाट शुड बी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज स्टूडेंट्स एज एप्लीकेंट्स। तो दोबारा मैं एक अच्छी सी कोट आपके सामने रखना चाहूंगा कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। तो एज स्टूडेंट्स हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम हर वीक एटलीस्ट एक घंटा निकालें एंड सबसे पहले एक कॉलेजेस की लिस्ट बना लें जिस भी कॉलेजेस में आप अप्लाई करना चाहते हैं। सो लेट्स से कि मैं दिल्ली में हूं एंड मैं दिल्ली के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहता हूं, तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं एक एक्सेल शीट के अंदर प्रॉपरली कॉलेजेस की लिस्ट बना लूं एंड हर वीक में थोड़ा टाइम निकाल के इन कॉलेजेस की वेबसाइट पर जाके खुद से नोटिसेस को चेक करूं। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि सर कहां जाके चेक करना है, व्हाट शुड बी द सेक्शन, व्हाट शुड बी द टैब जिसके अंदर हमें चेक करना है। तो मैं आपको बता दूं कि हर कॉलेज के अंदर बेसिकली तीन टैब्स होते हैं जहां पे ये नोटिसेस आते हैं। द फर्स्ट टैब इज योर करियर सेक्शन, द सेकंड टैब इज रिक्रूटमेंट एंड जॉब सेक्शन एंड द थर्ड टैब इज वैकेंसीज या फिर नोटिसेस के सेक्शन में। तो इन तीनों में से किसी एक सेक्शन में जरूर आपको पता चल जाएगा जब भी किसी कॉलेज के अंदर रिक्रूटमेंट या फिर वैकेंसीज क्रिएट होती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिनेरियो खराब है, इट्स जस्ट दैट वी हैव टू बी अवेयर, वी हैव टू अपडेट आवरसेल्फ विद ऑल ऑफ दीज नोटिसेस। एंड मैं आपको एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि ये जो बीते चार सेमेस्टर हैं, मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हो या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, इन सारे के सारे कॉलेजेस में वैकेंसीज आई हैं एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स एज वेल एज जो मेरे जान पहचान के लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, दे हैव गॉट प्लेस एंड दे हैव बीन टीचिंग वंडरफुली इन दीज कॉलेजेस। तो आप प्लीज नेगेटिव थॉट्स मत रखिए, यू हैव टू बी पॉजिटिव एंड यू जस्ट हैव टू बी अपडेटेड अबाउट ऑल ऑफ दीज नोटिसेस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस इन्फॉर्मेशन ने आपको हेल्प किया होगा एंड अगर आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया है तो यू शुड फाइंड वन आर एंड यू शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर द नोटिसेस ऑन द वेबसाइट। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको लगता है आपको कुछ भी नया सीखने को मिला, सो डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। ऑल्सो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया इस वीडियो के अंदर, बिकॉज जो भी इंपॉर्टेंट नोटिसेस आते हैं, जो भी अपडेट्स आते हैं, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर करता रहता हूं। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।